कोई व्यवस्था नहीं। जैसे वो नाड़ियों के ऊपर जो फेमिल का काम होता है ना नाड़ी में, वो भी यहाँ यहाँ वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा, नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो कोई नरेगा का वरेगा का कोई फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आपके वो राशन कार्ड से जैसे धान वगैरह आता वो वाला, वो भी इसी बस्ती में कुछ नहीं आ रहा है, किसी लोगों को मिलते हैं किसी लोगों को मिलते ही नहीं है। अच्छा हाँ ऐसे ही है, अब 100 में कुछ 5-10% मिलते हैं, बाकी 90% वैसे ही है। हाँ और बाकी सारे यहाँ पे मकान सारे कच्चे वगैरह हैं, सारा कच्चा ही कच्चा है, कोई रोड सुविधा है नहीं, कोई पानी की नाले है नहीं, कोई बाथरूम की सुविधा है नहीं, कुछ नहीं है मतलब। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं इनके पढ़ने की व्यवस्था है क्या? पढ़ने की व्यवस्था तो है, मास्टर आते नहीं? मास्टर तो कभी भी यहाँ पढ़ा देते है, यहाँ पे 8वीं तक की स्कूल है, चल रहे है पढ़ा रहे। हाँ अभी तो लोग बंद चली चल रही है। कितने जने रहते हो इस, ये आपका एक ही मकान है? अच्छा, इस इतने से मकान के अंदर आप कितने जने रहते हो? 7-8 जने इस अकेले में रहते हो, बच्चे वगैरह सारे? नहीं नहीं ये मैं, दो जने। अच्छा अच्छा, बच्चा नहीं नहीं है। तो आपके यहाँ पे धान वगैरह बिल्कुल है ही नहीं? बंद है मार दे जका गणी दे दे मार धान दे मार बंद है फार्म बंद है चालू चालू हो कौन कहीं कर। अच्छा, तो आपके यहाँ पे तो आप गुजारा कैसे करते हो, आप मतलब कमाते कैसे हो आप यहाँ पे? मजदूरी करा कुंडे खावा में चुकाई करा। अच्छा, तो आप मतलब मिट्टी वगैरह खोदते हो क्या? खंडा वासा मिट्टी खोदा, खंडा वासा काम करा। अच्छा, खंडे नेकते हो। अच्छा, तो जैसे ये बच्चे वगैरह पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं? अच्छा, तो ये जो मकान ये जो पीछे दिख रहा है इसमें 7-8 जने रहते हो अकेले में, बच्चे वगैरह सब मिला के? ये इस प्रकार से लोग रहते हैं, ये है घरों की हालत यहाँ की, रेवंत सिंह की ढाणी गांव है ये, काफ़ी मुझे ये खस्ता गांव दिख रहा है पूरी, बहुत हालत यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा बेटर नहीं है। अगर देखें तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक सरकार की कोई भी योजनाएं पहुँच पा रही होगी, जबकि ये मेन हाईवे से जस्ट 3 या 4 किलोमीटर ही है, और जो जैसलमेर मेन जो सिटी है उससे शायद 5 से 7 किलोमीटर दूर ही है। तो यहाँ पे ये बच्चे मैंने देखा कि ये जो 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन इनको आता वाता ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं आता है, शिक्षा का क्षेत्र ज्यादा कम। आज इस इतने मॉडर्न जमाने, इंटरनेट और व्हाट्सएप फेसबुक के जमाने में भी इस गांव में ये बच्चे बहुत ज्यादा पिछड़े हुए, ऐसा लग रहा है कि ये 1990 के आसपास का गांव लग रहा है। हाँ वैसे लग रहा है, वैसे बहुत पुराना लग रहा है। ये गोबर से निपे हुए आंगन है, और ये कितने दिन में इसको रिपेयर करना पड़ता है, महीने में कितनी बार करना पड़ता है? एक दो बार महीने में इसको करना पड़ता है ना रिपेयर? अच्छा, तो लॉकडाउन में आपने कैसे दिन निकाले होंगे? जो क्या करे, वैसे ही दुखी, बहुत दुखी टाइम निकाला। अच्छा, बहुत दुखी टाइम निकाला, बहुत ही समय निकाले, बहुत दुखी निकाले। तो यहाँ वो आते थे कोई ना कोई सुविधा देने के लिए, कुछ धान वगैरह कुछ देने के लिए? पड़ा धान वगैरह। अच्छा, धान किसी का वो अनाज कार्ड ही चालू नहीं था तो उसको खोल के कैसे जुगाड़ चले, कुछ नहीं था। अच्छा, अनाज कार्ड वाले वो भी नहीं मिला। आंगनवाड़ी से भी धान नहीं आता आपके? आंगनवाड़ी सही है। इस गांव में ये देखो गलियों के अंदर ये पानी की नालियां बनी हुई है, और यहाँ चलने की हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता है, और ये इस प्रकार से गलियों के अंदर ये पानी ऐसे बह रहा है, यहाँ कोई नालियों की वगैरह कोई पक्की व्यवस्था नहीं है, ये गांव वालों ने खुद नहीं ये व्यवस्था ही बना रखी है अपनी तरफ से, है ना? अपनी इनकी पेंशनों की दिक्कत है। इनकी उम्र क्या हुई है? 80 साल उम्र है। अच्छा, 80 साल के हो गए। इसकी इनकी शायद दिमाग की हालत मेरे को सही नहीं लग रही, ये दिमाग से है ना? इनकी पेंशन भी नहीं, इनके शायद ये मेंटली ये थोड़ा प्रिपेयर नहीं है। बड़ी बड़ी जगह है, ये हाल है, ये मंदिर के वगैरह है कुछ भी जो हमको
ये खुद हाथ से करना पड़ता है। बाकी कोई मंदिर की व्यवस्था की बाउंड्री वगैरह ये भी कुछ नहीं मिल रहा। ये मंदिर है अपने गाँव का? ये हमारा मंदिर है। कौन से भगवान का? ये भौमिया जी का। हाँ, भौमिया जी का, आपको ध्यान है। और ये सब कच्चे मकान है? ये सब कच्चे मकान। यहाँ पे देखो ये हाल है, ये हाल है सबरी बना, ये हाल है। ये ऐसे आंगन बनाने पड़ता है? ये आंगन बनाने वैसे हाथ से बनाते हैं, गोबर बनाना पड़ता है, मिट्टी गोबर मिलाना पड़ता है, फिर हाथ से करना पड़ता है। ये हाल है साहब गरीब, क्या करे, कोई व्यवस्था ही नहीं होना। और बैठे हैं, ये हमारे कच्चे मकान है सामने वाले, ठीक है ना। तो मोदी जी ने बोला था कि हम आपके लिए गरीबों के लिए इतना भला करेंगे, तो हर गरीब ऊपर आएगा। अच्छा अच्छा। तो हमें सुविधा कुछ नहीं मिली इसकी, हमारी पेंशन 62 साल हो गए। अच्छा। तो मोदी ने हमारे पेंशन भी नहीं लागू करी। अच्छा, पेंशन भी नहीं मिलती? नहीं मिलती, किसी आगे जा किसी को नहीं मिलती, नहीं मिलती है सब। अच्छा, अब बताओ आप, इससे ज्यादा तो हमारा सुख क्या होगा। अच्छा। बताओ आप, राशन नहीं मिलता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट हमारे पूरे। अच्छा, डॉक्यूमेंट आगे जाते हैं और सेन वाला कहते हैं कभी 100 दे दो, कभी 200 दे दो, कभी 400 दे दो, कभी घर नहीं मिलता है। अच्छा, अब उसका 2 दफे मैंने 3 दफे अपील करी है। अच्छा। तो मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। आप ही बताइए साहब, ये सरकार में हमें क्या गरीब का फायदा है। तो ये गांव कौन सा बताया आपने? रेव सिंह की ढाणी। रेव सिंह की ढाणी जैसलमेर। हाँ जी। तो दोस्तों, ये जैसलमेर में रेव सिंह की ढाणी है और इन गरीबों की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पीड़ाएं सुनने को मिल रही है। और ये अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल गारे से बने हुए और बिल्कुल कच्चे मकान यहाँ पे है और कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है। और ये 62 वर्ष के यहाँ पे हमारे साथ बाबूजी वगैरह हैं, तो इनको पेंशन वगैरह कोई सुविधाएं नहीं है। ये इस गाँव की हालत है दोस्तों, चारों ओर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक 2 या 4 घरों को छोड़ के बाकी सब ऐसे गारे के मकान वगैरह बने हुए हैं। और आज के इस मॉडर्न टाइम में भी लोग कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं, ये मेरे को अभी देखने को मिला है। तो हम अभी इस घर के अंदर जाएंगे और ये देखिए आप किस प्रकार से ये कच्चे मकान वगैरह बने हुए हैं। और ये इस प्रकार से अभी तो शायद कोई घर पर मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि शायद कोई आस पास गए होंगे। जैसे ये जो है ना, ये नड्डी पे काम वगैरह ऐसे होता है ना, फैमिली वाला, वो आपको मिलता ही नहीं है यहां? नहीं। अच्छा, तो आपके राशन कार्ड वगैरह भी बने हुए? राशन कार्ड तो है। तो धान वगैरह नहीं आता है? पहले तो लॉकडाउन में फिर थोड़ा बहुत आता था ना, अभी बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, लॉकडाउन के बाद धान भी बंद हो गया। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये इनका घर है। आपका शुभ नाम क्या सर? भोजाराम। भोजाराम जी। अच्छा, ये भोजाराम जी है, इस गाँव की ये हालत है दोस्तों। तो यहाँ पे शिक्षा की कोई ज़्यादा व्यवस्था मेरे को यहाँ पे नज़र आई नहीं। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं लगभग कोई 3री क्लास पढ़े हुए हैं, कोई 4थी क्लास पढ़े हुए हैं, बाकी ये बिल्कुल यहाँ शिक्षा का मेरे को ज़्यादा कुछ नज़र आया नहीं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ कोई खास विस्तार मेरे को देखने को मिला नहीं इस गाँव अपने। मैं तो यूट्यूब चैनल से हूँ ये ऐसे। राम राम साहब। ये आपके गांव की वो ले रहा हूँ सूट, यहाँ पे आपके शायद सरकार की कोई भी योजना ही नहीं पहुँच पा रही होगी ना। बुढ़ापे का सहारा क्या होता है? पेंशन। पेंशन, ठीक है ना, वो भी सुविधा नहीं। अच्छा, आप देखो साहब, अब आप देखो हमारी उम्र है क्या, और वास्तविक जो चोर है उनके लिए बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है सब। अच्छा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा भला कराओ साहब। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंच सके और ये मेरी भी मेहनत सफल हो जाए। मैं इस गाँव में आया और इनकी सबकी पीड़ाएं सुन रहा हूँ। मैं भी यहाँ से सड़क से लगभग काफ़ी 2-3 किलोमीटर पड़ता होगा। सिटी से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर मैं वहाँ से पैदल ही आ रहा हूँ। पैदल आ रहा हूँ क्योंकि मैं YouTube के लिए वगैरह मैं पैदल ही घूमता हूँ सब जगह ऑल ओवर इंडिया में। तो वहाँ से मैं पैदल आया, देखा मैंने रास्ते में भी देखा काफ़ी सुविधाएं नहीं है कोई आने जाने की कोई ज़्यादा व्यवस्था, पानी पीने को नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट मार्ग भी सारे कच्चे पड़े हैं, बिल्कुल कच्चे पड़े। अभी देखो ना, बिल्कुल जहीं जाओगे आपको कचरा मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और इतनी गवर्नमेंट की सुविधा होते भी लोग पैसे खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
देख लो आप।